नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। मेरा प्रोग्राम नेता जी में कितना दम है के तहत सीतामढ़ी के बतनाहा विधानसभा क्षेत्र के इस वक्त मैं भूथी में हूं और हमारे साथ हैं बतनाहा विधानसभा रिजर्व क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल राम जी। अनिल राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा प्रोग्राम चलता है नेता जी में कितना दम है। अनिल राम जी में कितना दम है? दम तो हम में है, हमसे ज़्यादा सर हमारी जनता में दम है कि इस पूरे सीतामढ़ी जिला में बतनाहा विधानसभा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बहुमत से यहाँ की जनता जीता करके हमें विधानसभा। ये बताइए, आपके साथ एक बात आ रही है कि आप बाहर के प्रत्याशी हैं, खुद बीजेपी में के लोग अंदर खाने ये बात होती है कि लोकल लोगों का टिकट काट लिया गया, क्यों नहीं दिनकर राम जी के घराने में टिकट दिया गया, आपको टिकट क्यों दे दिया गया, इससे क्या कोई नुकसान देख रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं सारे लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो जन्म हुआ था, जब हमें जन्म लिया था उस समय में हमारे पापा जी प्रधानाध्यापक हुआ करते थे और वो पुपड़ी में जब रिटायर किए तब जो है पुपड़ी में अपना घर बना लिए, तो वहीं हम रहे, पले बढ़े। उसके बाद सीतामढ़ी में रहे, सीतामढ़ी में भी अपना घर है, हम वहीं रहते हैं। हम गट्टा रोड में रहते हैं, डुमरा में। हमारा जो ससुराल है वो चैनपुर गांव में पड़ता है, जो इसी विधानसभा में। हमारी सिस्टर जो है वो सिरसिया में बसती है, वहाँ रहे हम बचपन से रह करके। सेंट्रल सुतिहारा स्कूल, सेंट्रल स्कूल से हम जो है मैट्रिक तक पढ़े। तो कैसे लोग कह रहे हैं कि मैं बाहरी हूँ, इसी जिले का निवासी हूँ, ठीक है। और यहाँ लोकतंत्र की तो ये खूबसूरती है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ता है। इसमें कहना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर मैं युवा हूँ और मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ आकर के यहाँ की जनता को जो समस्या है उस पर मैं काम करता हूँ, उस समस्या का निदान करता हूँ, तो इसमें बाहरी होना और यहाँ का होना में क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत मतलब जो है एक बुरी बातें हैं जो प्रतिद्वंदियों के द्वारा फैलाया जा रहा है। हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि इस पर ध्यान न देकर आपके समक्ष इतने वर्षों बाद हमारे रूप में एक अच्छे व्यक्तित्व वाले कैंडिडेट का जो है चयन हुआ है, उसका साथ दे और हमको आगे बढ़ाएं और यहाँ से रिकॉर्ड बहुमत के साथ जिता करके विधानसभा भेजे। इस विधानसभा का, बतनाहा विधानसभा का नाम हम पूरे देश में रोशन करेंगे और पूरा भारत जानेगा इस विधानसभा से। कई बार से, तीन बार से यहाँ पर बीजेपी के विधायक दिनकर राम जी जीतते आ रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दिनकर राम जी के जीतने से वो असर नहीं हो सका, वो काम नहीं हो सका जो होना चाहिए। सपोज डेट कि मैं यहाँ आज सुपैना पुलिया के बारे में मैं आज न्यूज़ करने के लिए आया हूँ। सुपैना पुलिया पिछले 40 साल से वैसे ही हालत है, कई सरकारें मतली 40 साल, कांग्रेस सरकार गई, लालू सरकार गई, नीतीश सरकार 15 साल हो गई। क्या लगता है कि सुपैना पुलिया आपके टाइम में हो जाएगा अगर आपको मौका मिलता है तो? सबसे पहले तो हमारे जो विधायक जी मतलब थे माननीय आदरणीय दिनकर राम जी, उन्होंने भी कार्य किया, ये नहीं है कि उन्होंने कार्य नहीं किया। इस क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने भी सुना है और उसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। दूसरी चीज़ें हैं, जो सुपैना पुलिया की बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे पुलिया हैं जिसका जो है जिस पर काम करना अभी बाकी है। और इसमें ये नहीं है कि एक विधायक जो है वो हर चीज़ की पूर्ति कर सकता है। इसमें ज़रूरत ये है कि उन समस्याओं को विधानसभा में कैसे हम आवाज़ उठा करके उन समस्याओं के लिए फंड इकट्ठा करके अपने क्षेत्र में लाकर उसका काम करते हैं, वहाँ से लड़ करके झगड़ करके हम वहाँ से फंड लाएंगे और यहाँ पे जितने समस्याएं हों उसका निदान करेंगे। यही दावा तो दिनकर राम जी ने किया था। सर, ये हमारा दावा नहीं है, ये हमारा विश्वास है और हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं। काम करने के लिए भी हमको संगठन और पार्टी यहाँ नियुक्त किया है, इसलिए यहाँ हमको भेजा गया है। तो हम करके यहाँ दिखाएंगे, ये हम अपने भाइयों को विश्वास दिलाना चाहते हैं और युवाओं को खासकर हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके लिए जितना संभव हो सके मैं रोजगार सृजन का काम करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसमें उनको इन्वॉल्व कर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करूँगा। रिजर्व सचमुच जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनका विकास हो पाया है या फिर नहीं हो पाया, तो आप क्या कर पाएंगे उनके लिए? विकास तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम जो चलता है उसमें खासकर छोटे तबके के जो लोग हैं उन पर विशेष फोकस किया जाता है। जैसे गैस चूल्हा दिया गया और बहुत सारी छोटी मोटी जो है संस्थाएँ आजकल चल रही है, हो रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, युवाओं को स्किल इंडिया के तहत जो है उसमें उनको रोजगार।
रोजगार सृजन का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो काम हो रहे हैं, काम अभी काम हो रहे हैं। और जो दलित बच्चों की बात हो रही है, उनको काम करना अभी बाकी है, और उनके लिए हम खासकर काम करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप जीतते हैं तो कौन सा काम होगा, दो चार खास मुद्दे? जी, हमारे जीतने के बाद जो हमारा जो पहला प्राथमिकता है कि यहाँ से जो बाढ़ आती है उस पर हम जितना काम कर सके उस पर करेंगे। दूसरा, युवाओं के लिए काम करना है, जो यहाँ से लोग बाहर जाकर काम करते हैं और कई कई दिनों तक अपने घर से दूर रहते हैं, घर में भी अनबन होती है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्तर पर हमारे जिला में हमारे क्षेत्र में जितना काम उपलब्ध हो उसमें जो है हम उनको काम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तीसरा चीज़ जो है हमारा रोड है, रोड की स्थिति जो है बेहद ख़राब है, अभी बाढ़ आती है तो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का सारा रास्ता बंद हो जाता है, लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है, उस पर तीव्र गति से काम करना है। हमारे विधानसभा पहुंचते ही सबसे पहले इस तीनों को हम काम करने का काम करेंगे और इस प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम है उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार चुनाव जो हो रहा है, नीतीश कुमार जहाँ जहाँ सभा कर रहे हैं उनकी सभाओं में ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। कई जगह सुना मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, फिर अलग से एक बैनर लेकर चिराग पासवान जो NDA का ही हिस्सा है उन्होंने भी अलग से एक अपना झंडा गाड़ दिया है। नहीं लगता है कि इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है, नीतीश कुमार के साथ रहकर और चिराग को साथ में रखकर फिर अलग कर फिर साथ रहकर? पिछले जो दो टर्म हमारी जो सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो हमारे राज्य सरकार में NDA की सरकार हो, इसमें जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें ये बातें पूरी तरह गलत है कि कोई काम नहीं हुआ। रही बात नीतीश कुमार जी की, तो उन्होंने भी काम किया है कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे शिक्षक की समस्या जाता है कम वेतन में और उनकी जो है अपनी पारिवारिक जो है समस्याओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ये एक समस्या है जो कि बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या पर माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करने की ज़रूरत है। हम उनसे निवेदन करते हैं, अपने क्षेत्र की जनता से की तरफ से हम अपील करते हैं कि इस समस्याओं को समझे, सुने और इसको आगे बढ़ाएं। श्री दिनकर राम जी के पोते भी देश में उन्हें टिकट नहीं मिला, टिकट आपको मिला, क्या लगता है कि उनका जो अपना एक प्रभाव रहा है पिछले 15 सालों में वो प्रभाव वो आशीर्वाद आपके साथ है या आपके विरोध में जाए? सबसे पहले तो इस क्षेत्र में मैं सालों से भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों की ओपिनियन को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। यहाँ एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता थी और एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता थी, एक समझदार नेतृत्व की आवश्यकता थी, एक ऐसे नेतृत्व एक ऐसे विधायक की जरूरत थी जो विधानसभा में जाकर के यहाँ की समस्याओं को रखे, वहाँ पर जाकर के बोले, वहाँ पे जाकर के जो है वो अपनी बात को रखने में सक्षम हो, वहाँ से फंड ला करके अपने क्षेत्र में काम करवाने में सक्षम हो, और इस चीज़ के लिए मैं पूरी तरह उपयुक्त हूँ, मैं ये काम करने का काम करूँगा। रही बात जो है हमारे जो भी जिनके बारे में आप बोले हैं, तो वो उनकी क्या अपनी व्यक्तित्व है मैं उतना नहीं जानता हूँ, मैं अपने जनता को जानता हूँ और जनता पर विश्वास रखता हूँ और उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा, ये उनको विश्वास दिलाता हूँ। कांग्रेस के प्रत्याशी संजय राम आपके सामने मैदान में, आप अपने आप को संजय राम की तुलना में या फिर संजय राम को आपकी तुलना में क्या पाते हैं, 19, 20 या 10, 20? ये जवाब हमारी जनता देगी आने वाले 10 तारीख के बाद, जो है जनता जवाब देगी। रिकॉर्ड बहुमत से हम यहाँ से जीतेंगे और विधानसभा जाने का काम करेंगे और जनता के विश्वास पर हम एकदम खड़े उतरेंगे, जनता जवाब देगी। मैं किसी के सवाल करूँगा, बथनाहा जो क्षेत्र है उसको रिजर्व किया गया है, पहले मेजरगंज हुआ करता था, रिजर्व होने से, रिजर्व सीट से रिजर्व प्रत्याशी के जीतने से जो दबी कुचली जाति के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनका कितना भला हुआ है और आप कितना भला करेंगे? देखिए, हमने पहले भी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, नीतीश कुमार सरकार जो है अभी हमारे यहाँ पे, उनके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का मतलब ही यही होता है कि ग्राउंड स्तर पर काम करना, मुखिया के माध्यम से, प्रमुख के माध्यम से या वार्ड पार्षद के माध्यम से काम को करना होता है। गली गली में सड़क होनी चाहिए, पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ों की व्यवस्था के लिए ही पंचायती राज की स्थापना हुई है।
तो अगर कहीं कुछ कसर रह गई है तो हम अपने क्षेत्र में कम से कम जब हम जिस समय से हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम 24 घंटा अपने जनता को देने का काम करेंगे, उस समस्या को सुनेंगे और उसका निदान करेंगे। तो नेताजी में दम है, एकदम पूरी तरह दम है और हमारे साथ साथ हमारी जनता में दम है। वो 7 तारीख को जो है हमारा चुनाव है, उस चुनाव में ये दिखा देगी कि हमारी जनता में कितना दम है और पूरा भारत जानेगा हमारे बतना अभियान। आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम नेताजी में कितना दम है के साथ, सीतामढ़ी के बतला विधानसभा के बिजली प्रत्याशी अनिल राम थे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।